नमस्ते टू ऑल माई सोल फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ माई सोल पर्पजस माई सोल मिशन आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मैम एंड डिवाइन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन आई एम प्राउडली एसोसिएटेड विद मैम सिंस लास्ट वन एंड हाफ ईयर करंटली आई एम इन इंग्लैंड एंड फॉलोइंग हर एंजेलिक गाइडेंस मैम को मैं शायद जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम है मच लव एंड प्रोटेक्शन टू मैम एंड हर फैमिली टुडे आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग a uh, etheric cleansing workshop. In this workshop, we will be doing asanas, meditation, pranayama, that is breathing, exercising, which channelizes our prana, that is our vital force energy. This workshop will remove blockages, cleanses, purifies the naris, our energy channels. Activation and balancing the chakras helps and nourishes gross, subtle and causal body consisting of five koshas. These koshas are operating micro and माइक्रोकॉस्मिक लेवल हम ये वर्कशॉप अर्ली मॉर्निंग करेंगे अराउंड थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स इसकी जानकारी के लिए आप प्लीज मैम को मेल करिए कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इसके बारे में कब स्टार्ट होगा कैसे तो उसके लिए प्लीज मैम को मेल करिए मे गॉड ब्लेस आर चैनल मे गॉड ब्लेस आर ऑल सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स मे वी ऑल बी अवेकंड प्रोटेक्टेड एंड ही तो इसी के साथ सबसे पहले तो आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कि आप हमारे चैनल के हमारे भाई बहन के लिए इतना अच्छा सोल पर्पस करने का आपने सोचा मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपको सपोर्ट कर पा रही हूँ अपने चैनल को सपोर्ट कर पा रही हूँ एक बहुत ही अच्छे सोल पर्पस और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ अच्छा मैंने कम्युनिटी में आज ये एक पोस्ट डाली थी अबाउट दिस की चालू होने वाला है हमारा प्रोग्राम एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप तो मैंने कुछ फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुने हैं आई वॉन्ट टू आंसर क्योंकि मुझे लगा कि ये ये क्वेश्चन सभी के हो सकते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हीरा का है एथरिक क्लेंजिंग क्या होता है डियर मैम काइंडली मेक ए शॉर्ट वीडियो फॉर इट वॉन्ट टू नो इट तो मैम ने बहुत ही अच्छा बताया वैसे आपको अगर मैं अपनी भाषा में बहुत साधारण तरह से समझाऊँगी कि ये क्या होता है तो ये मान लीजिए कि आपकी जो एथरिक बॉडी में जो आपके टॉक्सनस होते हैं वो कई जन्मों के भी हैं वो इस जन्म के भी है बहुत सारे ट्रॉमास के भी हैं जो कि बीमारियाँ बन के होते हैं तो आप कहोगे कि हम प्राणायाम करते हैं हम एक्सरसाइज योगा भी करते हैं कभी कभी आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आप एक ऑप्शन लेते हो कि मेरे पास टाइम कम है तो मैं या प्राणायाम कर लेती हूँ या मेडिटेशन कर लेती हूँ या एक्सरसाइज़ कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ और उसके बाद भी आपकी एथरिक क्लेंजिंग अच्छे से नहीं हो पाती है ठीक है तो एटलीस्ट कुछ और फ़ायदा हो या ना हो वो एथरिक वुंड्स एथरिक ट्रॉमास आपकी जर्नी पे बीमारियाँ बन के नहीं आना चाहिए आपकी जर्नी पे ब्लॉक बन के नहीं आना चाहिए दैट इज़ द पर्पस ये सेशन ये आ, आपके लिए जूम लिंक पे खोलने के लिए क्योंकि कहीं क्यों डेली करना पड़ेगा इसी से कनेक्टेड मैं लास्ट क्वेश्चन पहले ले रही हूँ लता का बट माँ जूम पर हीलिंग नहीं होती ऐसा आप कहती थी ना माँ यस yes. मैं कहती थी नहीं मैं कहती हूँ कि जूम पे कभी इनर वर्क नहीं होता क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस टेक्स टाइम टू मैनिफेस्ट तो ये क्लेंजिंग है ये हीलिंग नहीं है अगर मैं कहूँ कि आप कर्मा क्लियर करिए और डीएनए हील करिए तो क्या एक जूम मीटिंग में आप अपना कर्मा क्लियर कर सकते हो वो भी मल्टीपल लाइफ टाइम का या डीएनए हील कर सकते हो जंक डीएनए कितने जन्मों का डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट सिक्स मंथ्स टू मैनिफेस्ट इसलिए ये जो पर ये जो है अब आपको समझ में आ गया कि ये क्लेंजिंग है और क्लेंजिंग आप कर सकते हो जूम मीटिंग पे बिल्कुल इनफैक्ट इसलिए क्योंकि एक दिन में क्लेंजिंग भी नहीं होती है इसलिए हमने पूरा मंथ भर का ये वर्कशॉप रखा है एक प्रयास शुरू किया है बीच की दो क्वेश्चन और हैं प्रिया का मैम ये फ्री है या पेड है मैम कैसे कॉन्टैक्ट करें जूम पे आपसे जूम के लिंक आपको दे दिए जाएंगे जब आप लोग इसके लिए एनरोल कर लेंगे डेफिनेटली प्रिया फ्री नहीं है ये पर बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस हैं और फ्री कुछ नहीं होता है अगर फ्री कोई फ्री चीज़ फ़ायदा कर सकती होती तो इनर इंजीनियरिंग के भी हमें पैसे नहीं देने पड़ते ठीक <laughs> है तो हर अच्छी चीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द बेनिफिट आपको कोई ना कोई नॉमिनल चार्जेस जरूर देना चाहिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको फ्री में कुछ मिल जाए दैट विल नॉट वर्क फॉर यू ठीक है इसके आगे जस्ट कॉल जी मैम जूम का लिंक कहाँ दोगे आप और टाइम uh, क्या होगा टाइम मैम ने बताया है uh, ये बेसिकली हम सोच रहे हैं फोर्टी फाइव मिनट्स तक का टाइम होना चाहिए ये मॉर्निंग का टाइम होगा हम सिक्स बिटवीन सिक्स टू सिक्स थर्टी का टेंटेटिव टाइम फिक्स करेंगे और डेट भी टेंटेटिव आपको देंगे जो लोग इस टाइम पे एडजस्ट uh, नहीं होते हैं उनके लिए आई एम रियली फील सॉरी पर जो एडजस्ट कर सकते हैं वो प्लीज़ करिए क्योंकि ये एक बीच का टाइम मैंने चुना है बहुत अर्ली मॉर्निंग भी नहीं हालांकि हमारी मैम इंग्लैंड से जब uh, आपको गाइड करेंगी और मैं भी बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह डेढ़ साल से वो हमारी स्टूडेंट है मैं भी वहाँ पर एक स्टूडेंट की तरफ बैठूँगी उनका टाइम वहाँ पर शायद रात का दो बजे का होगा तो जब अगर वो एडजस्ट कर सकती हैं तो यहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ मत देना कि हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है जिसको मन है वो बिल्कुल एडजस्ट करे त्याग तो करना पड़ता है ठीक है और बाकी डिटेल्स आपको एनरोलमेंट के बाद आपको मिल जाएंगे आप तक पहुँच जाएंगे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है जो इस में एनरोल करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि माई एलेवन वर्क में मेरा पहला ही पॉइंट चक्रास था चक्रा इज़ द बेस ऑफ दिस जर्नी मतलब जो भी नया यहाँ पर आता है पहले सबसे पहले उसकी जर्नी की शुरुआत चक्रास से होती है चक्रा के बगैर तो आपका इनर वर्क मान्य ही नहीं है क्योंकि चकरास से ही आप बैलेंस होते हो और बैलेंस होकर आपको क्लैरिटी और पीस की स्टेट में आते हो और तब जाके आप प्रिपेयर होते हो सिस्टमेटिक वर्क के लिए तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो लोग एनरोल कर रहे हैं वो चक्रास को इसमें ऐड करना चाहेंगे बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम अगर आप कंफर्टेबल हैं चक्रास अपने आप कर सकते हैं तो वी विल नॉट ऐड चक्रास इन द प्रोग्राम अगर आपको चक्रा बैलेंसिंग भी सीखनी है या और यू वॉन्ट टू इंक्लूड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके कमेंट्स के बेस पे हम लोग अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा रीशेड्यूल करेंगे तो आई थिंक मैंने सफिशेंट जानकारी आप लोगों को दे दी है ठीक है अब और भी कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ ओनली मेरे ईमेल पे कांटेक्ट करिए मैंने कोई भी व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया है कमेंट बॉक्स पे कोई भी व्हाट्सएप नंबर आए प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए और मैंने कोई नंबर नहीं दिया है कोई भी क्वारीज अभी भी है आप इसको आ, मुझे ईमेल पे पूछिए आई विल ट्राई टू आंसर यू कुछ स्किप हो जाते हैं माइंड मत कीजिए बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं कभी कभी स्किप भी हो जाते हैं ठीक है और ये आप सेकेंड अगस्त तक आप एनरोल कर लीजिए जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने इस वर्कशॉप को स्टार्ट कर सकेंगे ठीक है अपना ध्यान रखिए